हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा मसालेदार क्योंकि ओप्पो ने फिर से लॉन्च कर दिया अपना एक और नया एफ सीरीज वाला स्मार्टफोन जो कि ओप्पो का F15। और ये फोन सच में एक कमाल धमाल और मसालेदार स्मार्टफोन है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी फोन के फर्स्ट लुक को, देखेंगे क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है और क्या कुछ खास हमें देखने को मिल जाता है ओप्पो F15 में, और लास्ट में जानेंगे इसकी प्राइस रेंज के साथ में। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप अगर नए चैनल पे तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। सबसे पहले तो हम इसके डिज़ाइन और लुक की बात कर लेते हैं। सामने की तरफ आप देख रहे होंगे, डिज़ाइन सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बट मेरा ओपिनियन जो है, ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, वो सच में मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन लगा है। उसका लुक बहुत ही ज़्यादा यूनिक आ रहा है। जो व्हाइट कलर ब्लू टाइप शेड में आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, वो कलर आपका जो है थोड़ा सा कॉमन डिज़ाइन है। बट जो ब्लैक कलर का है, उसमें सच में डिज़ाइन का लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और प्रीमियम देखने में लगता है। तो मेरे को पर्सनली जो इसका ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा पसंद में आया। बाकी जो अब हम इसके डिस्प्ले की बात कर ले, तो डिस्प्ले भी सच में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही कमाल का, और फुल टू ब्राइटनेस के साथ में जो है आपको कहीं पे भी आउटडोर में भी जो है ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं आएगा। फुल टू जो है ब्राइटनेस हमें देखने को मिल जाती है इस डिस्प्ले में। बहुत ही कमाल का जो है कलर करेक्शन बहुत ही अच्छा दिया गया है, और पूरा ही डिटेलिंग दिया गया है डिस्प्ले में। तो सच में बहुत ही कमाल का डिस्प्ले दिया गया है। और साथ में अब हम बात करते हैं इसके रेजोल्यूशन वगैरह की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, और इसके थिननेस की बात किया जाए तो सच में बहुत ही थिन दिया है। 7.9 mm थिन इसमें देखने को मिल जाता है ये फ़ोन, और इसका वेट और भी ज़्यादा कमाल देखने को मिलता है। बहुत ही लाइट वेट है, स्लीक डिज़ाइन है, 172 ग्राम का जो इसमें वेट देखने को मिलता है। तो यार डिज़ाइन सच में बहुत ही कमाल का है, लुक भी सच में कमाल का है। ब्लैक कलर का लुक जो है स्पेशली मेरे को बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा। अब हम फोकस करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके प्रोसेसर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड का 9.0 पाई, कलर ओएस 6.1.2 के साथ में हमें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और साथ में प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें देखने मिलता है मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो कि है हेलियो P70 आता है माली G70 GPU के साथ में। तो प्रोसेसर भी जो है बढ़िया देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 665 से बेटर प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा मीडिया का P70 हीलियो। तो ये बहुत ही प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ में हमें गेमिंग बूस्ट भी इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाता है, जो कि 2.0 का हमें गेमिंग बूस्ट भी देखने को मिलता है। तो सच में गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होने वाला वो और भी ज़्यादा बेटर होने वाला है, कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। पबजी वगैरह के लिए जो स्पेशलिस्ट में फोकस करके इसको बनाया गया, तो सच में कमाल का गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ छोड़ते हुए फोकस करते हैं इसके मेन कैमरे पे, जो कि है क्वाड कैमरे का सेटअप। सच में कमाल का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि क्वाड कैमरे का डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है वो सच में कमाल का दिया हुआ है। 48 MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो, और साथ में 2 MP का जो है हमें डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। तो क्वाड कैमरा सच में बहुत ही कमाल का है। पोर्ट्रेट हमें देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया, बुके इफेक्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जाएगा। और साथ में जो इसका EIS दिया है, जो कि है इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, सच में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस। अगर आप कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा शेकी वीडियो है, तो उसके लिए भी बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा EIS के साथ में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो बहुत ही स्टिल बना देगा वीडियो को, शेकलेस बना देगा उसको, शेक रिमूव कर देगा वीडियो में से। तो सच में कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कैमरे के साथ में। और सामने की तरफ देखने मिलता है सेल्फी कैमरा, जो कि है 16 MP का। तो ये भी एक ओके मेगापिक्सल का दिया हुआ है कैमरा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ओके क्वालिटी की पिक्चर हमें देखने को मिल जाएगी बहुत ही बढ़िया सी। जो मेन कैमरा है वो सच में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू को, तो इसमें हमें देखने मिलता है 3.5 mm जैक। तो इसके लिए एक थम्सअप है कि आपको इसमें 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। साथ में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी एक थम्सअप है, बहुत ही अमेजिंग है कि आजकल जो है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वाले फोन जो है और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। और साथ में जो है VOOC फ्लैश चार्ज देखने मिलता है 3.2 का, उसके साथ 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने मिल जाती है, जो कि ऑल डे लॉन्ग आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग रखने वाली, ऑल डे लॉन्ग आपका फ़ोन नॉर्मली यूज़ में चल जाएगा। साथ में जो हमें देखने मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, तो स्टोरेज से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अलग से आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, बाकी मैं वेरिएंट की बात आगे करूंगा ही। और साथ में हमें देखने को मिलता है इसमें दो चीज़ कंपनी कहती है कि अगर आप इसको 5 मिनट चार्ज करते हैं
तो आप इससे 2 घंटे बात कर सकते हैं, और साथ में इसको जो है चार्ज करने में 50% चार्ज करने में इसको सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे वूक फ्लैश चार्ज 3.0 के साथ में, और ये नियर अबाउट 75 मिनट्स लेगा फुल चार्ज करने में, 0 से 100 तक आने में नियर अबाउट 75 मिनट्स में जो है ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। इसकी एक और बहुत ही कमाल बात जो कि है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जो कि कंपनी कहती है 0.32 सेकंड्स में जो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वर्क करता है। तो अगर रियलिटी में परफॉर्मेंस ऐसा होगा तो सच में बहुत ही कमाल का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का, और फेस अनलॉक का भी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी ये था इसके कुछ बहुत ही कमाल फीचर। साथ में अब हम इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं, इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 19,990 रुपीज़ का, जो कि सेटिस्फाई करता है इसके प्राइस को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो फ़ोन सच में बहुत ही कमाल का है, तो जो ओप्पो लवर है सच में एक बहुत ही अपग्रेड और मज़ेदार फ़ोन लॉन्च हो चुका है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का F15। बाकी आप जो है अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग जो ये फ़ोन कैसा है, इसके कौन से स्पेसिफिकेशन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको गोल कलर का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और वीडियो को तो शेयर कर ही दीजिएगा अपने सभी प्लेटफॉर्म्स में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।